हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? डिलाइट फूड्स के किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन, गोभी मंचूरियन। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो स्टार्टर में मंचूरियन ही तो ऑर्डर करते हैं। बहुत टेस्टी भी लगता है, बहुत इजी भी बनता है। तो चलो फिर मैं चलती हूँ बनाने। सबसे पहले मैं इसमें 4-5 ग्लास पानी बॉयल कर लूँगी और उसमें 1/2 kg जो मैंने रखा है ना, सिर्फ फूल काट कर गोभी का, वो मैं डाल दूँगी। अब बस एक बॉयल आने तक मैं इसको कुक करूँगी। उसके बाद मैं एक छन्नी में सारा गोभी डालकर मैं इसके पानी को स्ट्रेन कर दूँगी, तो बिल्कुल ये सूख जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कोटिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद ही मैं ठंडा करके कोटिंग करूँगी इसकी। सबसे पहले मैं इसको बॉयल जो गोभी किया था ना, वो मैं डालती हूँ। उसके बाद इसमें सारे पाउडर डालूँगी, अरारोट के, राइस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर, तीनों में 2-2 स्पून डालूँगी। ये मैं कॉर्नफ्लोर 2 स्पून डालूँगी, अरारोट के 2 स्पून डालूँगी और राइस फ्लोर के 2 स्पून डालूँगी। बिल्कुल बिल्कुल पतली सी कोटिंग होनी चाहिए, मोटी सी कोटिंग नहीं होनी चाहिए, फिर पकौड़े बन जाएंगे। आप इसको पतली सी कोटिंग करना और बिल्कुल सूखी हुई बस 1/2 स्पून 2 स्पून मैं इसमें वाटर डालूँगी, ब्लैक पेपर 1 या 2 टेबल स्पून आप डाल लेना, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, और रेड चिली पाउडर कलर आने के लिए। मैं कलर तो डाल नहीं रही हूँ कि घर में बनाते हैं तो फिर कलर तो आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये डाल देती हूँ, उसका इसकी पूरी अच्छी तरह से कोटिंग कर देती हूँ और मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसका अच्छी तरह कोटिंग कर दूँगी। बिल्कुल पतली सी कोटिंग होनी चाहिए, मोटी आप मत करना, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी मैंने डाला और इसको अच्छी तरह हाथ से कोटिंग कर दो आप, तो सारे एक दूसरे में मिल जाएंगे। उसके बाद मैं 3 से 4 स्पून मैं डालती हूँ इसमें ऑयल, और इसमें मैं सारे गोभी को अलग अलग करके डाल देती हूँ। अब बिल्कुल तेल गर्म होने चाहिए और इसको अच्छी तरह आप गोल्डन ब्राउन कर लो। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ज़्यादा कोटिंग नहीं है तो इसके गोभी भी दिख रहे हैं, नहीं तो गोभी पूरे कवर हो जाएंगे तो फिर वो भी अच्छे नहीं लगेंगे, पकौड़े टाइप के लगेंगे। ये देखो हो गए ना, इस तरह से मैं सारे उलट पुलट के सारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, और उसके बाद से एक पेपर टॉवल पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। इस तरह से आप निकाल लो और दूसरे बैच भी मैं बना लेती हूँ। अच्छी तरह मैं दूसरे बैच को भी बना ले रही हूँ। इस तरह से ऊपर नीचे करके आप पूरे अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लो, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लगेंगे। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो यही तो ऑर्डर करते हैं ना स्टार्टर में, अब किसी भी तरह का मंचूरियन। ये मैं ड्राई गोभी मंचूरियन बना रही हूँ, और आप घर में बना रहे हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिली डालोगे, ग्रीन चिली डालोगे तो बच्चे बड़े सब खा लेंगे। ये मैं इसकी अब ग्रेवी बना रही हूँ। सबसे पहले मैं 2 स्पून फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक डाली हूँ, 1 टेबल स्पून मैं गार्लिक जिंजर डाली हूँ। इसको थोड़ा सा मैं सॉटे कर लेती हूँ, फिर ग्रीन चिली डालती हूँ मैं, इसको भी मैं 2 स्पून डाली हूँ, 3 ग्रीन चिली होंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना, आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से रखना। झटपट बनती है और बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देती हूँ 1 स्पून, इसको भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ क्योंकि ये कच्चा ना रहे, इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद से मैं ब्लैक पेपर भी डालूँगी 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह मैं इसको मिला लेती हूँ, और ये सबको आप हाई फ्लेम पे रखना,
क्योंकि इसको तो बहुत ज़्यादा मिलाना नहीं है ना, क्रंची ही रखना। वेजिटेबल डाल देती हूँ मैं इसमें सारे, मैंने कैप्सिकम और स्प्रिंग ओनियन का वाइट वाला पार्ट मैंने डाला है अभी। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल डाल सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं, मैंने दो ही डाला है इसमें। और बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्रंची होने चाहिए। इसको पकाना तो मुझे पूरा है नहीं, 100% तो पकाना है नहीं। अब इसमें मैं स्प्रिंग ऑनियन की जो ग्रीन पार्ट्स होती है ना, वो थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं बचा के रखती हूँ। अब सारे सॉस जाएंगे इसमें। मैं इसमें 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली डाला सॉस, उसके बाद सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है तो मैं 1 टेबल स्पून ही डालूँगी इसमें। टोमेटो सॉस, इसका सारा का बैलेंस करने के लिए टोमेटो सॉस तो जाएगा ही। और ये सिरका, सिरका भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना कितना खट्टा रखना चाहते हैं। मैं 1 टेबल स्पून डाली हूँ। और इसमें मैं सेजवान चटनी डाली हूँ, आपके पास हो तो डालना। ये देखो मैं 2 स्पून सेजवान चटनी डाली हूँ, हो तो डालना नहीं तो स्किप कर देना। आप रेड चिली सॉस जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं, सबके टेस्ट एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इसको अच्छी तरह मिला ले, और आप याद रखना हाई फ्लेम रखना, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे सारे वेजिटेबल जो है ना, वो लूज़ हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको चलाना है, उसके बाद से जो आपने गोभी का बना के रखा है ना, वो आप इसमें फूल जो बना के रखा है वो आप डाल देंगे। इसको मैं और ठीक होने के लिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को मैं मिक्स कर ली हूँ 1 टेबल स्पून पानी में, और इसको डाल दी हूँ कि ग्रेवी और ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे सूखी हुई ड्राई बनाना है। अब इसमें मैं सारा डाल देती हूँ, और डालते के साथ अब ज़्यादा देर तक तो कुक मत करना, नहीं तो गोभी लूज़ हो जाएंगे। डालते के साथ अब फ्लेम बस 1-2 मिनट के बाद बंद कर देना, और इसको अच्छी तरह से मिला लेना। और अगर आप बना के रख रहे हो ना तो अलग अलग रखो तो ज़्यादा बेटर है, बस फिर आप मिला मिला कर देते जाना, वो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे क्रंची बनेंगे और बहुत अच्छे टेस्ट में लगेंगे। ये देखो बिल्कुल हो गए ना। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसकी मैं प्लेटिंग करूँगी। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दो आप स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन पार्ट्स से। ये देखो, उसका प्लेट में आप निकालो और खाओ। आप स्टार्टर में भी खा सकते हो, और ऐसे नूडल्स या फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हो, वो आपका चॉइस है। चलो फिर आप खाओ, फिर मैं दूसरी रेसिपी में मिलती हूँ। ओके, चलो फिर मैं नई रेसिपी में मिलती हूँ। आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके, बाय।